नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में कार्यपत्रक चार कक्षा तीन की गणित साथी गणित कार्यपुस्तिका पर अपन बातचीत कर रहे हैं। इसमें पिछली कक्षा में अपन ने कार्यपत्रक चार के बारे में बातचीत की थी। कार्यपत्रक चार में अपन ने संख्या रेखा पर 1 से 999 तक की संख्याओं को किस प्रकार से स्केल पर संख्याओं को निरूपित करते हैं या स्केल पर संख्याओं को ढूंढा जाता है, उसके बारे में बातचीत की थी। तो अपन ने पिछली कक्षा में किस प्रकार से बॉक्स वाली संख्याओं को या किसी जगह पर स्केल में किसी जगह पर संख्याओं को छोड़ दिया जाता है या संख्या नहीं लिखी जाती या संख्या मिस हो जाती है, तो उस स्केल को किस प्रकार से कंप्लीट करते हैं, किस प्रकार से पूरा करते हैं और संख्याओं का निरूपण किया जाता है, इन सब के बारे में अपन ने पिछली क्लास में बातचीत कर ली थी। आज की क्लास में अपन आज का स्टार्ट करते हैं। जिस भी विद्यार्थी के द्वारा ये कार्यपत्रक पाँच जो है भरा जा रहा है, इस वीडियो को देखकर वो अपना नाम लिखें। दिनांक जो है आज का मैं लगा देता हूँ 30 नवंबर 2020, 30 ग्यारह 2020, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। संख्या रेखा या संख्याओं का ज्ञान के अंदर अपन बातचीत करेंगे। इस वाले में भी अपन संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है, दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जो संख्याएं अपने को दी गई हैं इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो पहले ही प्रश्न में देखो, ऐसे इसमें 25 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो पहला जो बिंदु दे रखा है स्केल का, वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। चार छोटे छोटे लाइन्स, छोटे छोटे बिंदु है, फिर आधा इन जो पहले बड़े बड़े लाइन्स हैं उनसे आधी हाइट का एक लाइन दे रखा है, वो पांचवा पॉइंट है। इसको भी नाम दे देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 और ये 10 है ना। इस टाइप से स्केल को अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। 0 से 10 के बीच में 9 लाइनें हैं, 0 से 9 और ये 10 है ना। इसी टाइप से फिर 20, फिर 30, फिर 40 और 50। तो यहाँ पर अपन स्केल को पूरा करते हैं। यहाँ पर आएगा 15, 0, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा 15, ये 20 के बाद यहाँ पर 25, ये बॉक्स को अपन ने फिल कर लिया, फिर 30, फिर यहाँ पर 35, 40 और फिर यहाँ 45, 50 और फिर यहाँ पर 55। इस टाइप से ये पहला वाला स्केल अपन ने कंप्लीट कर लिया। अपने को स्केल पर क्या फिल करना था, 25 को भरना था। तो अपन ने 25 को यहाँ पर, ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर 25 आएंगे संख्या रेखा या स्केल के ऊपर। चलिए दूसरे वाले में अपने को 38 को फिल करना है। तो सबसे पहले अपन स्केल के बिंदु को सभी को लिख लेते हैं, फिर 38 को ढूंढ लेंगे। 0 10 20 30 40 50। अब यहाँ पर ये छोटी वाली लाइन है, इस पर पॉइंट पॉइंट लिखे अपन। 0 ये 5, फिर 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ये 35। अब अपने को चाहिए कितना, 38 चाहिए ना, तो ये 36, ये 37, ये वाला जो बिंदु है ये है 38। कितना है ये 38, मैंने गोला बना दिया है जिस बिंदु के बारे में अपन बातचीत कर रहे थे, 38, और उसको बॉक्स में मैंने दर्शा दिया है, ठीक है। हो गया कंप्लीट। यहाँ पर 35, 38 और 40 और यहाँ आएगा 45, ये 50 और ये 55। इस प्रकार से पूरा स्केल कंप्लीट कर दिया गया है। चलते हैं थर्ड स्केल पर। तीसरे स्केल पर अपने को 50 को दर्शाना है। किसको दर्शाना है, 50 को दर्शाना है। तो 50 को तीसरे स्केल पर दर्शाते हैं। 0 10 20, ये आएगा यहाँ पर 30, फिर 40, ये 50। ये तो हो गया सिंपल सा, कंप्लीट हो गया, ये 50 ये वाला बिंदु होगा, ठीक है। यहाँ पर बीच में दर्शाना चाहें 0 5 10 15, इस टाइप से इनको भी दर्शा सकते हैं। अब अपने को चाहिए 162। कितना चाहिए, 162। स्केल स्टार्ट हो रहा है 150 से, 150, 160, 170, 180, 190, 200, ठीक है। बीच वाली संख्याएं चाहिए तो ले लीजिए। 155 यहाँ पर आएगा, 155, पर जगह कम होने से अपन नहीं लिख पाएंगे सभी संख्याओं को। अपने को 162 चाहिए, तो इस बॉक्स में मैं 162 ले देता हूँ और जो बिंदु 162 होगा उस पर गोला बना देता हूँ। ये 160 है, ये वाला बिंदु 161 होगा, ये वाला बिंदु 162 होगा, इसको मैंने गोला बना दिया। तो ये बॉक्स वाली संख्या जो है वो 162 है, मैंने यहाँ पर डिनोट कर दी, इसको शो करवा दिया। चलिए चलते हैं इसके पांचवें प्रश्न पर। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ, ताकि सातों ही प्रश्न दिख जाएंगे पहले प्रश्न के। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवें प्रश्न में अपने को 250 के बारे में बातचीत करनी है। 250 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है।
तो ये 210, 220, 230, ये आ जाएगा 240, ये इस बॉक्स में 250, और यही बिंदु अपने को निकालना था, मैंने इसको गोला बना दिया, यहाँ आ जाएगा 260। इस प्रकार से 250 को अपन ने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। अब चाहिए अपने को 465, कितना चाहिए, 465 चाहिए, और स्केल अपनी स्टार्ट हो रही है 440 से, 440, 445, 450, ठीक है, यहाँ आएगा 455, 460, 465, यही वो बिंदु है 465 जो अपने को संख्या रेखा पर निरूपित करके दर्शाना था, जो अपन ने दर्शा दिया 465 हो गया अपना आंसर। अगले वाले प्रश्न पर आ जाइए, इसी के सातवें प्रश्न पर। सातवें प्रश्न पर 500 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, 480, 490, ये पॉइंट जो है वो 500 आ जाएगा, और इसी बिंदु को अपने को संख्या रेखा पर निरूपित करना था, ठीक है, 510, 520, 530 इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, प्रश्न नंबर दो के ऊपर अपन बातचीत करेंगे कि प्रश्न नंबर दो में क्या है। प्रश्न नंबर दो में कहा गया है संख्या रेखा बनाकर दी गई संख्याओं को दर्शाइए। क्या कहा इसमें, संख्या रेखा को बनाकर, तो आप अपने को स्केल पर सारे नंबर भी अपने को लिखने हैं, ठीक है, तो पहले वाले में क्या नंबर लिखना है अपने को, 45, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो मैं शुरू करता हूँ, जैसे अपने पास नंबर लाइनें कितनी दे रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे रखी है, मैं अगर 0 से भी स्टार्ट करूँ, 0, यहाँ पर 10, ये 20, ये 30, ये वाला पॉइंट 40, ये वाला पॉइंट 50, ठीक है, इनके बीच में 0, ये 5 आ जाएगा, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ये 35, ये 40, ये 45, तो संख्या रेखा पर 45 जो है ये, सॉरी हाँ, ये वाला बिंदु ये 45 होगा, और यही अपना आंसर है 45, यही अपने से पूछा था, मैंने सर्कल बना दिया इस पर। अब आते हैं 93, कितना चाहिए अपने को, 93 चाहिए, 50 से शुरू किया है, यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ 70, यहाँ 80, यहाँ 90, ठीक है। अब बात करते हैं 90 और 100 के बीच में आएगा, 93 कितने आएगा 90 और 100 के बीच में, तो चार लाइनें इधर, चार लाइनें इधर, इस बीच वाली लाइन की चार लाइनें इधर, 1, 2, 3, 4, चार लाइनें लिख दी, 1, 2, 3, चार लाइनें लिख दी, तो तीसरी जो लाइन है 90 और 3 93, ये जो तीसरी लाइन है यही होगा 93, कितना होगा ये 93 होगा, और यही अपना आंसर है, क्योंकि अपने को 93 को ही संख्या रेखा पर निरूपित करना था। अब आ जाते हैं अगले में, इसका थर्ड जो है वो 85 है, कितना है 85, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अब चाहिए कितना 85, ये किस किस के बीच में आएगा, 80 और 90 के बीच में आएगा, ये 85 है, तो ये 85 इसी पॉइंट पे आ जाएगा, इधर चार बिंदु, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 हो गया, 85 यही वाला बिंदु है, ये अपना 85, यहाँ पर ये कार्यपत्रक 5 जो है कंप्लीट हो जाता है अपना। कार्यपत्रक 5 में अपन ने क्या सीखा है, कार्यपत्रक 4 और कार्यपत्रक 5 दोनों में ही अपन ने संख्या को, किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है उसके बारे में सीखा है, या स्केल पर किसी संख्या को किस प्रकार से ढूंढा जा सकता है, या किसी माप को जो अपना धरातल है उस पर किस प्रकार से खींचा जा सकता है उसके बारे में अपन ने सीख लिया है, ठीक है, और मान किस किस प्रकार से स्केल पर अपन निर्देशित करते हैं, निरूपित करते हैं, उसके बारे में भी अपन ने सीख लिया है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।